guys, good morning and welcome back to another vlog. मैं सच में बहुत नींद में हूँ क्योंकि मैं अभी अभी उठा हूँ और रेडी हो रहा हूँ. जाना है मुंबई वापस गेमिंग हाउस में. गोल्डी भाई और रेबेल भी साथ में जाने वाले थे लेकिन अभी आई गेस गोल्डी भाई का कल रात में कॉल आया एंड ही वॉज लाइक कि शायद वो नहीं जा सकते क्योंकि उनको कुछ काम आ गया एंड ऑल. लेकिन आई विश वो भी चले, मजा आएगा. एंड मैं समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं इस बार ये लेकर जाऊं या नहीं जाऊं. आई एम रियली नॉट एबल टू डिसाइड कि खेलेंगे किसके साथ. हम लोग गेमिंग हाउस में इतने सारे लोग तो है नहीं जो कि खेलते हैं एंड नॉट एवरीबॉडी इज़ रेडी टू प्ले. मैं और मॉर्टल एक तरीके से मर्सी हो सकता है, बाकी आई डोंट थिंक कोई है. तो देखते हैं कैसे होता है. अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से, अपना पैकिंग टर्न करते हैं ताकि कैब आने से पहले वी आर रेडी. लेट्स गो. यो, सो अभी हम लोगों ने अपना सब कुछ करा लिया. बैगेज चेक इन पूरा हो गया हमारा, सिक्योरिटी चेक भी पूरा हो गया. अभी इस 4:55 हम लोगों की फ़्लाइट चलेगी 6:20. सो अभी मेरे पास 1.5 घंटा है फ्लाइट चलने में, लेकिन फ़्लाइट में बैठने के लिए आई हैव 45 मिनट्स. गोल्डी भाई एंड ट्रेवल को अभी भी आना है. एंड अगर आप देख लोगे सो या ये मैंने अभी अभी लिया. सो मैं जो वो वाला जो सनग्लास जो मैं पहनता था रेबैन का ब्लैक शेड वाला, वो आई टुक इट लाइक बहुत टाइम हो गया यार उसको मैंने शायद 2019 दिवाली के वक्त लिया था जब मैं गुवाहाटी में था, जब मैं थक के घर पे रुका हुआ था. सो मेरे को एक चेंज ऑफ शेड चाहिए था. सो अभी सनग्लास हट यहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे, मैंने यहाँ से ग्रीन शेड लिया, एक सिल्वर लिया एंड एक ब्लू कलर का लिया, वो हेक्सागन में है. बाकी दो मैंने क्लब मास्टर से लिए क्योंकि मुझे क्लब मास्टर बहुत पसंद है. तो आई प्रेफर क्लब मास्टर. बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एविएटर सूट करता है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत तरीके के सूट करते हैं, बट मुझे अपने लिए क्लब मास्टर ही सही लगता है. एविएटर मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं करता. सो इसलिए मैंने ये ग्रीन शेड ले लिया. ऑल दो उनके पास एक और ब्लू शेड भी था बट आई लाइक द ग्रीन वन बेटर. एंड गोल्डी भाई आ रहे हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट. उनका कैंसिल हो रहा था बट उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आने का बना लिया. मैं उनको जब मैं गाड़ी में था, जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट, सो मैंने उनको मैसेज करा कि आ जाओ प्लीज़. तो ही वॉज लाइक कि चलते हैं. तो आई वॉज लाइक हैप्पी. हम स्काउट को गलत छपरी बोलते हैं. हाँ, स्काउट को हम गलत छपरी बोलते हैं. अभी स्टोरी पर डालना कोई नहीं है, ये अपना बन रहा है. अपने आप को देखने को हैं कौन क्या मर रहा है, दिखाओ. चलो ये देख लो भाई, मजाल नहीं छू ले. इधर देखो, ये मामा को आज सुबह थक रहे स्टोरी पर पोस्ट नहीं किया, उसके लिए स्टोरी पर डाल रहे हैं. आप नहीं बोलते तो मैं नहीं आता. खराब लगा. मैं नहीं आता आज, ये मामा नहीं बोलते. आराम जा दे. गाइस का बहुत सारा पैसा है, उनमें करोड़ों पैसा है. अरे उसका बैग है भाई, उसके बैग में क्या ही पैसा होगा. रेबेल का है. कपड़े भी मांगने सब कुछ तो आके मांगा भाई उसके. गुड भाई, यू लुक शार्प. थैंक यू. दिस इज अ न्यू टाइम. शार्प बोला करो. शार्प. यू लुक गुड ओल्ड. बेकार. यू लुक शार्प. गाइस मेरे को देख कर लग रहा होगा अभी मैं जा रहा हूँ कहीं ट्रैकिंग हो रही है. गाइस देख लो, हाल बहुत बुरे हैं. प्रीमियम इकोनॉमी बिजनेस के लेके भी चाय उसके स्टॉल से खा रहे, फिर क्या फायदा 30,000 रुपए फ्लाइट के देने का. आंसर इस क्वेश्चन का हैव टू बी ग्राउंडेड. आराम जा देंगे. ग्राउंडेड रहो. अच्छा, आज डे कौन सा है? मंडे. मेरा बेटा और क्या खाएगा. नहीं बोलिए भाई, कुछ खा ले और ले ले. ये लेगा, ये लेगा. आप ये लोगे भाई? Goldie bhai, I like 2 pieces. How much? Yeah, if we should sanitize at all times, kindly spray. Thank you. तुम बीच में बैठने वाले हो ना? रेनकोट ले लीजिए. तुम बीच में बैठने वाले हो ना? नहीं.
तुम बीच में बैठोगे ना? नहीं मेरे को थोड़ा बादलों को लेना होता है। मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में जनता कहती है हाँ भाई जब आप प्लेन में जाते हैं बादल जरूर खींचा करिए। जोजी अच्छा न्यू मेंबर है। अच्छा मामा चौथी बार तुमने पैर पे मारा। अरे मैं क्या करूँ यार ऐसे ऐसे मैं चल रहा हूँ ऐसे ऐसे लग रहा है खाने का बैठते साइड वाला बोलेगा साइड वाले चिड़ा चिड़ा के खाएंगे। गाइस बहुत तेज भूख लग रही थी रेबेल को वी कुडंट रेजिस्ट सो वी हैड सैंडविच खा बने जब लड़की का थोड़ी पता पड़ते अंदर के शादी में जैसे आप टेबल पर बैठते हो बराती हो गए अच्छा कैमरा मैन आ जाता है खाते हुए और ऐसी बिरयानी होती है ना ऐसे करो कैमरा आ गया ऐसे खाने का दिल होता है ऐसे भर के खा लेते अच्छी सी होती है तभी आ जाता है एटिकेट से खाना पड़ता है। तो ऐसे करो कैमरा आ गया मेरा है ही नहीं। ये क्या हो गया थोड़ा सा बारिश हो गई है मैम। My name is Jasjeet Singh and on behalf of my crew, I would like to welcome you all on our flight UK955 to Mumbai. Welcome. Our daily evening departure service out of Delhi. Once it won't be 2 hours of flying this evening. And with me the flight deck is the first officer Happy. And a senior cabin. Mumbai cabin. गाइस मामा की हालत बहुत खराब है ये देखो क्या लेके घूम रहे अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए एड्रेस अगर आप देखो तो एड्रेस नीचे जाऊँ या चेक नंबर पे वहाँ पे जाऊँ पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाए और इस तरह अलग कर लें कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाने पर यह नकाब अपने आप नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब ठीक से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं। विमान के पिछले भाग में 2 द्वार विंग्स पर 4 और 2 द्वार विमान के आगे के भाग में हैं। हर मुख्य द्वार पर 1 आपातकालीन स्थिति में विमान से निकलने से पूर्व अपना सारा सामान विमान में ही छोड़ दें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा निर्देश पत्र और डिटेल्स प्लीज रेफर टू द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड केप्ट इन सीट पॉकेट इन फ्रंट ऑफ यू थैंक यू डन 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 ठीक है ठीक पर्सनली रिसीव करने के लिए गोल्डी भाई को लोग आए हैं अभी गोल्डी भाई को पर्सनली ले जाया जाएगा बाहर तक उनके सामान को गोल्डी भाई को हाँ और हमें अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। गोल्डी भाई और रेबेल ऑलरेडी बाहर पहुंच चुके हैं क्योंकि उनका पहले से ही उनके पास रिपोर्ट था तो दे आर वेटिंग विद उमंग बाहर की तरफ। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं देखते हैं सामान ले लिया Let's go. So guys, we are now heading home from the airport और everything is now set. भाई गोल्डी भाई का बहुत सामान है पूरा डिक्की भर गया उससे The trophy is also here. वो हमारे न्यू गेमिंग हाउस में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसको रख दिया जाएगा It will have a separate place in the gaming house. क्योंकि it's like सबसे best trophy जो है वो I guess PMIT वाली ही थी अपनी 8-bit वाली वो बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है लेकिन वो बहुत अमेजिंग ट्रॉफी है बहुत भारी है कितने किलो की है वो है 19 किलो की है फक भाई। तो अभी हम लोग गेमिंग हाउस जा रहे हैं और अब लोग उमंग के डैडी की कार से जा रहे हैं भाई वहाँ पे एयरपोर्ट पे लोकेश जैन का जो है बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं है वो कह रहे हैं कि गरीब जैसी फीलिंग भाई VVIP टाइप जो है इनको वो मिला हम वहाँ पे जो है जा रहे हैं भीड़ भड़क के में से
वो लगा रहे सीट बेल्ट लगा रहे बैटरी लग रही बैटरी लग रही बोलते कैन यू प्लीज ब्रिंग द एक्सटेंडर ले जाए पहनी हमारे साइड में नहीं लाई इमरजेंसी सीट में एक्सटेंडर नहीं आता बड़ी बसुड़ी और बोला मैं तो ये सीट छोड़ूंगा नहीं भाई मैं तो कहीं और बैठ नहीं सकता वो इमरजेंसी फिर भी बैठने लायक थी क्या करें भाई तो एक सामने एक अंकल आंटी बैठे हुए थे कपल अंकल थे जिन्होंने बहुत पकाया आपको नहीं हमारे साथ एक अंकल थे तीसरी सीट पे अंकल बोला अंकल देखो हो नहीं पाएगा अंकल आप भी बचा आपका हो जाएगा आप वाली सीट खाली है वहाँ बैठ जाओ लेफ्ट में अंकल लेफ्ट में बैठ गए गोल्डी भाई अपनी दो अपना चिल करके दो सीट में हो गया अंकल दो सीट में एडजस्टमेंट कर ली किसी तरीके से मैंने सांस अंदर खींच के बेल्ट लगा ली प्रोटोकॉल के लिए फिर खोल दी ऑफिडेंस उसके बाद तो फिर कौन पता लगा पाएगा बेल्ट पहनी है नहीं बहुत ठीक है अब क्या वो अंकल ने गोल्डी भाई के साथ जो बातें करी है पूरे फ्लाइट में सोता आ गया मूवी खत्म कर उन्होंने मेरे को दो चार प्रॉपर्टी बेच दी थी गोल्डी भाई हर जगह पंजाबी बाग के थे ना पता नहीं कहां थे यार दिलक नगर के भाई वो दो चार प्रॉपर्टी बेच के मारते मेरे को मैं उनको गाड़ी में नहीं बताया बोलते पुत्र ताड़ी गाड़ी कितने है मैं कहा जी मैं तो उबर करा था चलो नाल चलते हैं बाहर सुमित वेट कर रहा है मैं कहा जो फंस गए इसको अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा तो पूरे रास्ते मेरे को पहले अभी मेरे को प्रॉपर्टी भी दिखाने ले जाए अभी हम लोग चल रहे घर घर पहुँच के विल मीट द बॉयज द होम अवे फ्रॉम होम लेट्स रॉक एंड रोल ये कौन सा वाला है भाई और कामचोर बढ़िया कामचोर उधर देख के कामचोर यो मिस्टर मांबू अरे एक और धोखेबाज है क्या यहाँ पे सो रहा है क्या अरे एक व्हाइट टी शर्ट में एक और गुवाहाटी से धोखेबाज आया क्या ठीक है भाई अरे 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 एडमिट मांबा इन द हाउस गाइस So guys, पूरा दिन हम लोगों ने ट्रैवल किया अलीगढ़ से दिल्ली दिल्ली से एयरपोर्ट एयरपोर्ट से मुंबई मुंबई से घर और हमारा हो चुका है पूरा फेस का पाजा फट चुका है तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये मैंने स्पेशली मामा अर्थ से बोल के अपने लिए मंगवाया उत्तर फेस वॉश क्यों क्योंकि 10 दिन में रेवेल की बहन की शादी और हमें देखना है बिल्कुल टिंच क्योंकि इसमें टर्मरिक है इसमें सैफरन है और इसमें हल्दी है तो इस वजह से ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैंने सुना है उबटन तो वैसे होता है करा जाता है सेरेमनी होती है तो ये चीज जरूरी है ग्लो के लिए तो हमने इसको इसलिए मंगवाया कि फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 days अपकमिंग 10 days हम ये यूज करेंगे सो इट विल ग्लो अप माई स्किन और रेबेल की बहन की शादी में हम बिल्कुल खासा अलग से हट के दिख रहे होंगे सो अभी मैंने जब ये मंगवाई लिया है तो मैं इसको अभी से यूज कर रहा हूँ सो दैट इसका इफेक्ट मेरे ऊपर दिखता रहे एंड 10 दिन में तो इफेक्ट आ ही जाएगा क्यों नहीं आ जाएगा है ना सो अभी विल यूज इट विल गेट फ्रेश एंड देन फ्रेश होने के बाद विल गो अपने लॉन्डो के साथ वक्त बिताएंगे नीचे चिल करेंगे और अगर आप यूज करना चाहो मामा 2021 इज ऑलवेज द कोड ऑन mamaearth.in ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa बट कोड आपको जो अवेल करना हो mamaearth.in मामा 2021 क्योंकि साल 2021 चल रहा है ठीक है साल स्कोप ले लिया अरे मैं धोखेबाजों से बात नहीं करता भाई जो लोग मुझे भूल जाते हैं उनसे बात नहीं करता उस रात कॉल करने वाले थे ना मीटिंग के बाद फीवर था उस टाइम पे वो तूने पूछा कि रहे तो मीटिंग के बाद मर गया था मैं पाल के साथ कॉल कर रहा था रात में कॉल करने वाले थे ना वादा किया था ना के लड़े अरे यार गाइस तो गाइस अभी अपने लौंडे स्ट्रीम कर रहे हैं और अब हम लोग जो है थोड़ी देर जा रहे हैं नीचे खाना पीना खाएंगे अक्षु इज हियर ही वाज पता नहीं भाई मिस करते हैं नहीं करते मेरे को नहीं मालूम आपको नो
अरे मामा भाई, नहीं भाई ठीक है भाई। अभी हम लोग चलते हैं। इट वॉज नाइस मेकिंग द व्लॉग फॉर यू ऑल। और अभी आज का दिन बहुत अमेजिंग जाने वाला है, रात अमेजिंग जाने वाली है। रेगा भी अभी जाने वाला है, रेगा भी जाने वाला है ना, इस वजह से तो अभी बहुत मजा आएगा। रेगा को शायद छोड़ने जाए ना जाए, आई डोंट नो। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन अगले व्लॉग के साथ, या अभी इसी वक्त से शायद रेगा को छोड़ने जाएंगे तो अगला व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अंटिल देन, टाटा बाय बाय।